शास्त्र ने सीधा सीधा ऐसा कहा है कि गृहे लिंगम द्वयम नार्चम, घर के अंदर केवल एक ही शिवलिंग रखना चाहिए, अधिकाधिक कोई भी प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। इसलिए निवेदन आप सभी भक्तों से कि यदि आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं, पहली शर्त हमारी है कि आप शिवलिंग को केवल अपने घर में रखेंगे, गमले में कोई भी शिवलिंग मत रखना। जिन्होंने घर के गमले में शिवलिंग रखा है उन लोगों को मेरी ओर से धिक्कार है कि तुम शिव के नहीं हो, तुमने शिव जी को मंदिर में ही रखना चाहिए था, ना कि गमले में रखना था। जिन्होंने तुम्हें घर दिया, परिवार दिए, सब कुछ दिया, उनको तुमने उठाकर गमले में रख दिया, क्या यही हैसियत रह गई? थोड़े से जाग जाओ, जागो भक्तो जागो, थोड़ा जागना चाहिए। शिव जी को घर में लेकर आए हो, शिवलिंग को तुमने गमले में रख दिया, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, मुझे तो लगता है बहुत निकृष्ट काम हमसे, बहुत। शिवलिंग की स्थापना घर में करो, ना कि गमले के नीचे करो। किसने बता दिया कि गमले के नीचे शिवलिंग रखना चाहिए? जिसका जो मन चाहे सो करता रहता है, अपने सनातन धर्म में कोई लगाम तो है नहीं, जो जैसा बोल दे सो वैसा करते रहे। एक बातों के 10 बातें हम लोग प्रकट करते हैं, एक बात पर यदि कोई पक्का रहे ना तो सनातन धर्म में लोग चले। मेरी वाणी कुछ और कहती है, दूसरे की वाणी कुछ और कहती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसकी सुने किसकी ना सुने। इसलिए हम कहते हैं हमारी भी मत सुनो, कम से कम शास्त्रों के तो सुनो कि गृह लिंगम, घर के अंदर लिंग एक होना चाहिए। आप गमले में शिवलिंग रख देते हैं, कोई छत में शिवलिंग रख देते, मतलब क्या है इन चीजों का? किसी ने कहा कि शिवलिंग गमले में रखना चाहिए? किसी ने कहा कि शिवलिंग छत में रखना चाहिए? ऐसा पाखंड या ऐसा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। बात मन में चुभे सो ठीक है, हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन हमको इस बात का दुख होता है कि आपने शिवलिंग को उठाकर गमले में रख दिया। बोलो किसके कहने पर रखा आपने? कौन है ऐसा समझदार जो आपको यह समझाता है कि शिवलिंग को गमले में रख दो, गमले में रखकर उसकी पूजा करो? कहां रखना चाहिए? क्या शिवजी को गमले, इससे बढ़िया तो शिवलिंग घर में रखो ही मत सा, है ना, कहीं अनर्थ और ना बोल दे हम। शिवलिंग घर में रखो ही मत अगर तुमने गमले में शिवलिंग को रखना। कोई बात लगती है, कोई तुक की बात हो तो बताओ। कोई शिवलिंग गमले में रखने की चीज है? वो बाबा है, महादेव है, महाकाल है, उनकी पूजा करी जाती है, वो ईश्वर है, परमात्मा है, समस्त देन उनकी दी हुई है, और आप उनको उठाकर गमले में रख दिया। बहुत हल्के में लेते हो आप भगवान जी, बहुत हल्के में लेते। और गमले में अधिकतर कौन रखते हैं भगवान शिव को जानते हो? या तो वो जो एक नंबर के डरपोक होते हैं, दूसरा वो जो दूसरों के बहकामे में आते हैं, तीसरा वो जिनको शिव पर आस्था कम होती है और डर सबसे ज्यादा होता है, चौथा वो कि जो केवल शिव को दूर से ही भजने वाले हैं, उनके साथ प्रेम नहीं है, पांचवा वो कि जिनको शिव के प्रति कोई लगाव नहीं है, वो उठाएगा शिवलिंग गमले में रख देगा, ज्यादा डर होगा तो मंदिर में छोड़ आएगा, और ज्यादा टेंशन होगी तो दूर गंगा जी में बहा के आएगा, मेरे घर से तो आप जाओ बाहर। अरे 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 अरे, जिन्होंने तुम्हें घर दिया उन्हें तुमने बेघर कर दिया, जिन्होंने तुम्हें घर के अंदर बैठाया उन्होंने उनको तुमने घर से गमले में बैठा दिया, जिन्होंने तुम्हें तल्लफ के गद्दे दिए, मखमल के गद्दे दिए, उनको तुमने एक गमले में छोटी सी मिट्टी में बैठा कर विराजमान कर दिया, और एक लोटा जल चढ़ा के बड़े भक्त बन रहे हो कि वाह हम तो शिव जी को अपने घर में रोज जल चढ़ाते हैं, पता चला जल कहाँ चढ़ाते, गमले में जल चढ़ाते। कितनी बदनसीबी है ना हम लोगों की। और सच में हम बदनसीब तब तक होंगे जब तक तुम्हारे घर में शिवलिंग विराजमान ना हो जाए। शब्द है याद करके देख लेना, गमले में शिवलिंग वो रखना जो बदनसीब हैं, और घर में शिवलिंग वो रखना जो खुशनसीब हैं। और मेरे शिवजी तुमसे दूर ही रहना पसंद कर रहे हैं, इसलिए तुम गमले में रखाए उनको। एक दिन मन चाहेगा तो तुम गमले से भी उठाकर उनको कहीं और पटकाओगे। ताकि तो शिव जी के मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, निवेदन है इस दास का कि आप शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखो, उनको रोज सुबह शाम दर्शन करो। कहते हैं सुबह दर्शन करने से आंखें निर्मल होती है, दिन में दर्शन करने से मन निर्मल होता है, और रात्रि को दर्शन करने से जीवन सफल होता है। अरे अरे अरे, शिव जी को अपने पास रखिए, ताकि है ना। ओम नमो भगवते।